हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दो ऐसी टिप्स प्रोवाइड कराने वाले हैं जिनको अगर आप सभी लोगों ने फॉलो किया तो गारंटी के साथ केवल और केवल 15 दिनों में आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इतना बेहतर तरीके से कर लेंगे कि बहुत ही आसानी से आपको अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज और मनचाही ब्रांच जरूर से ज़रूर मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा और जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ उनको ध्यान से समझिएगा और कहीं नोट करके आज से ही उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले हम दो पॉइंट आपको बताते हैं कि वह दो पॉइंट कौन है जिनकी हेल्प से आप सभी लोग केवल और केवल 15 दिन के अंतर्गत आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में, नंबर फर्स्ट आप सभी लोग लिखिएगा। नंबर फर्स्ट जो स्टूडेंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का चुनाव, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ठीक है का चुनाव। पहला काम क्या करना है आपको, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का चुनाव लिख लीजिए आप सभी लोग। दूसरा जो पॉइंट आपको नोट करना है वो नोट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर, केवल और केवल ये दो काम आपको करना है। अब ये दो काम आपको कैसे करने हैं ये आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ध्यान से हमारी बात को सुनिए और समझने का प्रयास करिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का चुनाव सबसे पहले आपको करना है। जैसा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिए और नोट करते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सभी लोगों ने इन दो पॉइंट्स को फॉलो किया तो आप मुझे थैंक यू बोले बिना नहीं रह पाएंगे जब आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला मैंने बताया इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का चुनाव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें मैथ्स आएगी, फिजिक्स आएगी और केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। अभी मैं खासकर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि डेली एक एक घंटे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए निकालना है और इसमें मैथमेटिक्स का जो एक घंटा आप देंगे उस एक घंटे में डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग ध्यान रखेंगे किसी भी चैप्टर को एक तरफ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप सभी लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। कहाँ मिलेगा सर? मार्केट में आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर पिछले कई वर्षों का पेपर आपको भेज दूंगा जिससे आप सभी लोग अपनी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और उठा करके देखिएगा ऐसा कौन सा चैप्टर है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे हर वर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर वर्ष कम से कम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के उन टाइप्स के क्वेश्चंस को तैयार करना होगा, उन पर प्रैक्टिस करनी होगी जो हर वर्ष ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से फिर आप अगले टाइप पे चलेंगे और देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग हर एक वर्ष पूछा जाता है, फिर उस टॉपिक को आप तैयार करेंगे और उस टॉपिक के बिहार पर 4-6-10-20 क्वेश्चन का कलेक्शन करेंगे और उनको आप सभी लोग तैयार करेंगे। ये पहला टॉपिक हो गया, ये आप सभी लोगों को हर सब्जेक्ट में करना है, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। अभी आपके पास कम समय बचा है, इस कम समय में योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कैसे करनी है, हर एक चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करने वाला ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन साइन कन्वेंशन के आधार पर ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस के आधार पर ज़रूर आता है। ये आप कैसे जान पाएंगे, जब आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, पिछले 5 वर्षों का जब पेपर आप पलटेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन दिखेंगे। कॉमन का मतलब जो एक ही सिस्टम पर एक ही तरह से लगने वाले होंगे, तो आप ये जान जाएंगे कि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप उस टॉपिक को पकड़ेंगे, उस टॉपिक को मजबूती
सी तैयार करेंगे, उसके बाद फिर उसके बिहा पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर देंगे। यही काम हमें केमिस्ट्री में भी करना है और फिजिक्स में भी करना है। अगर आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर द्विघात समीकरण हमारा एक चैप्टर है तो द्विघात समीकरण पूरा नहीं पढ़ना है हमको, केवल उन टॉपिक को पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे तो मैं खुद एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि हाँ इस द्विघात चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक का चुनाव। आई होप आप सभी लोग इसको कर पाएंगे, करने में समस्या होगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर से ज़रूर करूँगा। अगला काम डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़रा उसको ध्यान दे लो। अगला काम, बचे हुए इन 15 दिन में आपको 15 सेट सॉल्व करने हैं। ध्यान रखो, आपको प्रीवियस ईयर के 15 सेट सॉल्व करने हैं। विश्वास मानिएगा डियर स्टूडेंट, जिसने ये काम कर लिया ये जान लीजिएगा कि उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, उसको कोई और दूसरा कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने शाम का शेड्यूल डिसाइड कर लिया कि शाम को 5 से 7 या 5 से 7:30 हम एक पेपर सॉल्व करेंगे, किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमें आ रहे होंगे उन्हें हम करेंगे, और जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे होंगे उसको हम लोग देख करके समझ करके उसको डियर स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। यह केवल 2 टॉपिक्स जो मैंने अभी आप सभी लोगों को समझाया, अगर इन 2 स्टेप्स को आप सभी लोग फॉलो करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि इस समय स्टूडेंट्स कम समय बचा हुआ है, YouTube पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे केवल दिन भर लेक्चर्स देख रहे हैं और दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं। तो जब तक आप अपना दिमाग खुद से नहीं लगाएंगे, अपने बारे में खुद से नहीं सोचेंगे, तब तक आप सभी लोगों का सिलेक्शन होने में कठिनाई ज़रूर से ज़रूर होगी। बाकी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत कठिन इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, आपके अपने इसी प्लेटफॉर्म की मदद से बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं। मैंने खुद बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स चैनल पर अपलोड किए हैं, वो सारे के सारे लेक्चर्स फ्री हैं, उनकी हेल्प से आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी ये जो 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनको अगर आप आज से ही फॉलो करते हैं तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मात्र 15 दिन में आप सभी लोग अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने की क्षमता हासिल कर लेंगे, वो आप सभी लोगों कहीं ना कहीं साकार होती हुई नज़र आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग यह प्रकरण जो मैं आज आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको आज से ही करना स्टार्ट करेंगे और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, जिससे आप सभी लोगों को आपकी मनचाही ब्रांच और मनचाहा कॉलेज जरूर से ज़रूर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप सभी लोग आप अपना टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ये शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।